आज जब आज हम जा रहे हैं मटर पनीर बनाने, तो मटर पनीर बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर ये हमने पनीर को इस तरीके से काटे हैं। आप चाहे जितना भी बड़ा काट सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। तो फिर उसका हमने यहाँ पर एक पैन लिया है, इसको हम इसका गैस को चालू कर देंगे और इस पैन को गर्म होने देंगे। देखिए दोस्तों, हमने अपना गैस जला लिया है और ये अभी हमारा गर्म भी हो गया और हमने अपना गैस को लो फ्लेम पर किया है। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद हम इस ऑयल को सभी जगह अच्छी तरह से इस तरीके से फैला देंगे। फिर उसके बाद हम इस पनीर को, जो हमने अपना पनीर लिया था बड़े बड़े पीसेस में, हम इसे फ्राई करेंगे। आप चाहे तो फ्राई नहीं भी कर सकते हैं, आपको ऐसे ही बनाना है तो आप ऐसे ही बना सकते हैं, मगर हम फ्राई करके बनाएंगे। इस तरीके से हम अपना सारा डाल देंगे फ्राई होने के लिए। देखिए हमने अपना सारा डाल दिया है। अब हम इस तरीके से ऐसे कर लेंगे कि सारा जो ऑयल है अंदर से हो जाए। फिर उसका हम अपना फ्लेम को बढ़ा देंगे, हाई फ्लेम पर कर देंगे। अब ये हमारा एक साइड से हो गया है, तो हम इसे दूसरी साइड पलट देंगे। और हमें ज़्यादा कलर नहीं चाहिए, बस हल्का सा ब्राउन चाहिए, तो हम इसे पलटते हैं। और देखिए इसमें पलटने में थोड़ा दिक्कत होता है, और देखिए कितना अच्छा कलर आया है। और इसी तरह अपना सारा पलट लेंगे। अब देखिए हमने अपना सारा पलट लिया है। अब हम दूसरी साइड भी इसी तरह कलर आने देंगे, फिर उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा दूसरी साइड से भी हो गया, तो अब इसे हम निकाल लेंगे इस तरीके से कर इसे निकाल लेंगे। और इसी तरह अपना सारा निकालेंगे। देखिए हमने इसे निकाल लिया है, देखिए दोनों साइड से इतना अच्छा कलर आया है, प्यारा सा। और फिर उसके बाद हमने इसमें जो हमने पैन पर अपना पनीर को फ्राई करा था, उसी में हमने ऑयल डाला है। और हमारा ऑयल ये लो फ्लेम पर गर्म हो गया है, तो अब इसमें एक तेज पत्ता इसमें डाल देंगे और एक बड़ी इलायची। फिर उसके बाद इसमें लाल मिर्च डाल देंगे। फिर उसके बाद इसमें जीरा डाल देंगे। फिर इन सभी चीज़ों को हम भून लेंगे। और ये देखिए हमारा भून चुका है। हमने अपना फ्लेम लो पर ही किया है, अगर आप ज़्यादा करेंगे तो हमारा मसाला जल जाएगा, तो हम इसमें मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ये हल्दी पाउडर लिया है, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर जीरा पाउडर लिया, और ये लाल मिर्च है, और ये धनिया पाउडर है, और ये गरम मसाला है, और फिर उसके बाद ये कश्मीरी लाल मिर्च है। इन सभी चीज़ों को हम इसमें डाल देंगे। फिर हम इस सभी चीज़ों को हम भून लेंगे मसालों को। अब हमने अपना मसाला डाल लिया, तो इसमें तुरंत हम इसे पेस्ट डाल देंगे। तो पेस्ट में हमने एक टमाटर लिया है, एक प्याज लिया है, और ये अदरक है, और लहसुन है, और मिर्च भी है, हरी मिर्च। इन सभी चीज़ों को हम इसमें डाल देंगे। इसमें हम सभी चीज़ों को हम मिलाकर इसमें भून लेंगे। अब देखिए हमने अपने सारे मसालों को भून लिया है, वो भी मीडियम फ्लेम पर। और ये देखिए मसाला अलग हो गया है और तेल भी अलग होने लगा है, तो अब इसमें हम पानी डाल देंगे। आपको जितना ग्रेवी चाहिए उतना पानी डाल दीजिए। थोड़ा सा हम इसमें और पानी डालेंगे, आधा गिलास और पानी डालेंगे। फिर हम इसमें उबाल आने तक इसे छोड़ देंगे। और ये देखिए हमारा थोड़ा थोड़ा उबाल आने लगा, तो यहाँ पे हमने सेल्फर मटर लिया है और इसे हमने उबाल लिया था 5 मिनट तक। देखिए कितना अच्छे से उबला है। आप चाहे तो ऐसे भी डाल सकते हैं, मगर हम उबला वाला डालेंगे, तो इसमें डाल देंगे हम। फिर उसके बाद हम इसमें स्वाद अनुसार नमक को डाल देंगे। फिर उसका इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। फिर हम इसे ढककर थोड़ी देर तक छोड़ देंगे। 10 मिनट तक हमने इसे पका लिया है। अब हम इसमें पनीर डालकर अपने पनीर को भी 5 मिनट तक पका लेंगे। और अपना सारा डाल देंगे पनीर। अब देखिए हमने अपना सारा पनीर डाल दिया है। अब इसे हम 5 मिनट तक पकने देंगे कि जो सारा मसाला है इसके अंदर चला जाए। और ये देखिए हमने इसे 5 मिनट तक पका लिया है। अब हम इसमें कस्तूरी मेथी डालेंगे। इसे स्वाद बहुत ही अच्छा आता है, अगर आपके पास है तो डालें, ना है तो मत डालें। और फिर इसको हम इसको डालने के बाद हम इसे 1 मिनट तक इसी तरह पका लेंगे। और ये देखिए हमने इसे पका लिया है। अब हम इसे गैस को बंद कर देते हैं और इसे हम प्लेटिंग करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमने इसे प्लेटिंग कर लिया है और कलर कितना अच्छा आया है। हमने इसमें कोई भी कलर नहीं डाला है। आप एक बार इस तरीके से ज़रूर बना के खाएं, बहुत ही टेस्टी लगता है। और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय।